देखो, अधरंगा फकीर किसने कहा था? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने या फिर माउंटबेटन ने। तो इसका सही आंसर है चर्चिल ने। देखिए, चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गांधी जी को अधरंगा फकीर कहकर उनका मजाक उड़ाया था। और आज गांधी जी की प्रतिमा ब्रिटिश संसद में चर्चिल की प्रतिमा के बगल में ही लगी है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ब्रिटेन में गांधी जी की प्रतिमा को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, बी लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, 1869, 1869, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, जो कि गुजरात में है, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन थे पंजाब केसरी के नाम से विख्यात, ये भी आपको पता होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। देखिए, लाला लाजपत राय जाने माने लेखक और भारतीय स्वतंत्रता अभियान के मुख्य नेता के रूप में याद किए जाते हैं, इसी कारण उनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये भी आपको पता ही होगा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, स्वर्णरेखा, सोन, गंडक या फिर कोसी। तो देखिए, ये तीनों नदियां तो इसकी सहायक नदियां हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ए, ये इसका राइट आंसर है, ये इसकी सहायक नदी नहीं है। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन उसके बराबर से होती चलती है, लेकिन उसमें मिलती नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, स्वर्णरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, ये भी आपको पता होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत तो नेक्स्ट में इंटरेस्ट होगा तो ज़रूर आपको पता होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यह देखिए, मैं आपको नक्शे में दिखा देता हूँ, ये देखिए भारत का नक्शा है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की ये सीमा देखिए, ये चाइना है, तो चीन से मिली हुई है। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो नक्शा आपके पास में होना चाहिए। अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप एक एटलस बुक खरीद लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दे रखा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? इसका राइट आंसर क्या है, 10 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दे रखा, देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है असम में। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर है। देखिए, ये हमारा नक्शा है, तो देखिए ये असम है, अरुणाचल प्रदेश से नीचे ही वाला जो है ग्रीन कलर वाला, ये असम है। और जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा, यहाँ देखिए, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से इधर को बहती हुई, यहाँ से होती हुई इस तरीके से नीचे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसके बराबर में ही यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या फिर डेयरी विकास। तो इसका राइट आंसर है डेयरी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर है दोमट मिट्टी। इसे इंग्लिश में हम लोयम कहते हैं, LOAM, दोमट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, नागपुर, रायपुर, भोपाल या फिर लखनऊ। तो इसका सही आंसर है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिसे सुविख्यात कृषि औद्योगिकी को जाता है उसका नाम है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे, तो इसमें से सही इसका आंसर है सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है?
चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो इसका सही आंसर है डी, जल विद्युत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 22 जुलाई को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को या फिर 21 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई को। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है वो होती है 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, यहाँ पर दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, पार्सियन, रोमन, देवनागरी या फिर पाली। तो इसका राइट आंसर है देवनागरी। ये तो आपको सभी को पता होगा। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लीट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, जेम्स प्रिंसेप।